नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने लगाया है तेहरा शतक। एक समय था जब क्रिकेट को बड़े शहरों का खेल कहा जाता था। कहा जाता था कि बड़े शहरों के रहने वाले लोग ही, यानी कि उनके बच्चे ही इस खेल का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ भी बदली और भारतीय टीम में उन छोटे से प्रदेश से बच्चे भी शामिल होने लगे जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल अब प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। वह एक चमकता हुआ तारा है जो जहां पर रहेगा चमकता ही रहेगा। देश और पूरे विश्व क्रिकेट में एक ऐसे ही चमक दिखाई थी महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी भी देश के एक छोटे से राज्य झारखंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट में एक पहचान दी। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से सभी को चकित कर दिया। बिहार की टीम इन दिनों कूच बिहार ट्रॉफी खेल रही है। इस सीरीज के दौरान बिहार के लाल कुमार श्रेय ने तीसरा शतक लगाकर यह दिखा दिया कि इस खिलाड़ी में दम है और भारतीय टीम में पहुंचने की काबिलियत रखता है। आपको बता दें कि बिहार और मणिपुर के बीच खेले जा रहे इस मैच की पहली पारी में बिहार की टीम कुमार श्रेय के 302 रन के बदौलत 606 रन के विशाल स्कोर बना पाई। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मणिपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही और यह पूरी टीम 119 रन पर ही सिमट गई। बिहार और मणिपुर के बीच खेले जा रहे इस मैच की पहली पारी में मणिपुर की टीम मात्र 155 रन पर ही सिमट गई। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम ने 606 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें सलामी बल्लेबाज के तौर पर अमिनेश कुमार ने 121 रन बनाए, तो वहीं कुमार श्रेय ने 438 गेंदों में 302 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 39 चौके भी लगाए। इससे पहले इसी ट्रॉफी यानी कि कूच बिहार में कुमार पीयूष कुमार सिंह ने 238 रन बनाए थे। ये इससे पहले का रिकॉर्ड है। हालांकि इससे पहले रणजी ट्रॉफी में भी बिहार के शकीबुल गनी ने 341 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं बलजीत बिहारी ने सीके नायडू ट्रॉफी में 306 रन की पारी खेली, तो वहीं पे मर्चेंट यानी कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी में इन्होंने 358 रन की शानदार पारी खेली है। आपको बता दें कि कुमार श्रेय मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इनका परिवार इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। कुमार श्रेय के इस प्रदर्शन के बाद से जहानाबाद में खुशी का माहौल है। इस पूरे इलाके में हर कोई इस खिलाड़ी के बारे में जिक्र कर रहा है। ऐसे में लोगों को बस यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार का यह लाल नीली जर्सी में दिखे, जिससे कि प्रदेश का मान बढ़े। हम कुमार श्रेय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा हो और छक्के चौकों से बरसात करता हुआ दिखे। तो ये थी क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और वैसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।